तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों, मोटोरोला की जो जी सीरीज है, जहाँ पर कंपनी आप लोग काफ़ी कम प्राइस के साथ काफ़ी बेहतरीन फीचर से लैस एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती है, और इसी सीरीज के अंतर्गत कंपनी ने पिछले महीने भारतीय मार्केट में मोटो G10 और मोटो G30 को किया था लॉन्च, लेकिन कंपनी ने मोटो G20 को लॉन्च नहीं किया था। अब कंपनी इस मोटो G20 को भी भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और इसके सारे स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, और यह एक बजट रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है। इसके पिक्चर्स भी सामने चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G20 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और जो पिक्चर्स सामने आई है उस आधार पर यह स्मार्टफोन ब्लैक और रेड कलर के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के बारे में और क्या डिफरेंट रहने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर मोटो G10 से, क्योंकि मोटो G10 का सक्सेसर मॉडल होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करूं सबसे पहले, अगर मैं बात करूं इस मोटो G20 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो जो पिक्चर सामने आई है उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिल रही है, जहां पर आप लोगों को सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और यह स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर बात करें इस मोटो G20 के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.52 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवाने वाली है, जो फुल व्यू डिस्प्ले होती है, जो मोटोरोला की खुद की डिस्प्ले होती है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का होने वाला है। 20x9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी PPI डेंसिटी 269 की होने वाली है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला, जो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन फीचर है, और एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर जिसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास, उस हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले काफी बेहतरीन रहने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को काफी डिफरेंट प्रोसेसर उपलब्ध करवा रहा है, जो इसको मोटो G10 से अलग बनाता है। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को यूनिसोक का T700 एक AI प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो यह ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 1.8 GHz पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाता है मालिका G52। कितने नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर और कितना इसका सिविल स्कोर है, इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है, इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारियां मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो रूमर्स के द्वारा जानकारियां प्राप्त हो रही है, उस हिसाब से यह जो प्रोसेसर है ठीक ठाक रहने वाला है नॉर्मल यूज के लिए, जिसमें आप लोग गेमिंग का भी एक्सपीरियंस ले पाएंगे, और इससे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जिसमें स्मार्टफोन रन करने वाला भी जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, उस आधार पर यह मोटो G20 एक ही स्टोरेज रेविट के साथ लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए स्टैंड भी कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य स्टोरेज रैम वेट के साथ भी यह भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से इसकी स्टोरेज और रैम ठीक ठाक रहने वाली है एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे का सेटअप कंपनी उपलब्ध करवाने वाली, जो पहला और मेन सेंसर होगा 48MP का होगा, जिसके साथ 8MP का वाइड एंगल, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का माइक्रो सेंसर कंपनी देने वाली है LED फ्लैश के साथ। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए सिंगल 13MP का कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। हालांकि इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरमा, स्लो मोशन और ब्यूटी से संबंधित अन्य फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा सेटअप है वो नॉर्मल स्मार्टफोन्स के तौर पर ठीक ठाक रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB टाइप सी उपलब्ध करवाने वाली है। मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी अच्छा बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर फाइनली बात करें इस मोटो G20 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यह स्मार्टफोन अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा इसके जो फीचर्स सामने निकल कर आ रहे हैं, उस आधार पर इसके अंदर आप लोगों को मोटो G10 से बेहतर डिस्प्ले मिलने वाली है। हालांकि इसके प्रोसेसर के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो कैमरा सेटअप है वो भी ठीक ठाक रहने वाला है, और मोटो G10 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, और इसकी कीमत भी मोटो G10 के आसपास ही रहने वाली है। मतलब यह है 10,000 रुपए से कम कीमत के साथ ही भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर इसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास रहती है, तो ये एक अच्छा और नॉर्मल यूज के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन हो सकता है। फिर भी दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या विचार इस मोटोरोला
मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो जी 20 के फीचर्स को लेकर और क्या होनी चाहिए इसकी कीमत भारतीय मार्केट में, कुछ भी विचार हो आप लोगों के दिल में कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।